Hello, welcome to PK Tutorials. Today's topic Operations on in AD Relations. Let's begin. सो so, लास्ट हमने पढ़ा था एन एरी रिलेशन के बारे में और उसके एप्लीकेशन के बारे में इन डेटा तो उसी डेटा को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ ऑपरेशन स्टडी uh, करेंगे सो वी कैन अप्लाई वाइटी ऑफ ऑपरेशन ऑन एन एरी रिलेशन क्योंकि जब हमारे पास टेबल होते हैं तो टेबल पर हम मुख्तलिफ़ के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डेली यूज़ में क्यों डेटा के लिए तो हम उसमें से हम हम चंद को स्टडी करते हैं सो so, फर्स्ट जो ऑपरेशन होता है सिलेक्शन सिलेक्शन क्या होता है कि हमने कुछ फाइंड स्पेसिफिक रिकॉर्ड हमारे पास डेटा में जो रिकॉर्ड्स होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं और नॉर्मली हमें कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं होता है ऑपरेशन। डिफिनिशन जो दिया गया है सिलेक्शन के बारे में लेट आर बी एन एरी रिलेशन एंड सी ए कंडीशन एलिमेंट्स इन आर मे सिटी देन दिलेक्शन ऑपरेटर एस सी ये कुछ जो रिका कंडीशन दिया होता है क्योंकि हमने जो सर्च करना होता है फाइंड आउट तो वो किसी बेस पर होता है किसी कंडीशन के बेस पर होता है अगर हमारे पास आर हैं तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है देन द सेलेक्शन ऑपरेटर तो ये हमारे पास जो सेलेक्शन ऑपरेटर होता है मैप्स द एन एरी रिलेशन आर टू द एन एरी रिलेशन ऑफ ऑल एन टपल्स तो वो तमाम रिकॉर्ड को सर्च करता है और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो हमें रिटर्न कर देता है दट सेटिस्फाई द कंडीशन सी तो ये सिलेक्शन होता है फॉर uh, एग्जाम्पल जो हमारे पास एग्जाम्पल है टू फाइंड द रिकॉर्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस मेजर इन द एन एरी रिलेशन जिस तरह लास्ट हमने एग्जाम्पल किया था पिछले लेक्चर में यह टेबल था हमारे पास स्टूडेंट का डेटा uh, बेस में तो इसमें हमारे पास चार जो क्योंकि ये फोर टपल्स का टेबल है स्टूडेंट नेम आईडी नंबर मेजर और जीपीए तो उसमें हमने फाइंड आउट करना है फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो सिलेक्शन है एस सी अब ये जो कंडीशन है कंडीशन हमारे पास क्या है कि मेजर इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस तो अब हमने ये जो है मेजर जिसका कंप्यूटर साइंस होगा ये देखिए ये फर्स्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस रो को जिसका मेजर कंप्यूटर साइंस होगा इसके बाद दूसरा सेलेक्ट करते हैं जिसका मेजर कंप्यूटर साइंस होगा तो ये इन दो रिकॉर्ड को या इन दो रो को हम क्या करते हैं रिट्रीव करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस तो ये इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो इसको कहते हैं सेलेक्शन ठीक है तो ये सिलेक्शन ऑफ टू रिकॉर्ड इसी तरह आप दूसरे को भी सेलेक्ट कर फॉर एग्जाम्पल आपको कोई स्पेसिफिक जी पी ए का चाहिए कि जिसका जी पी ए थ्री से ज्यादा होगा तो अब देखिए थ्री 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 अब एक ही टू का है तो आपको फर्स्ट फाइव रिटर्न करेगा इसी तरह आपने कोई जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे वो यूज कर सकते हैं कि जिसका जी पी थ्री से कम होगा तो जो लास्ट स्टीवन है वो वो आपको रिटर्न तो ये कंडीशन जो है सी ये कोई भी आप कंडीशन लगा सकते हैं नॉर्मली uh, इसको हम एज जनरल समझाने के लिए इधर लिखा हुआ था ले, लेकिन एस में हम इसको क्वेरी कहते हैं जिस तरह सेलेक्ट होता है तो वो डेटाबेस में पढ़ेंगे डिटेल से दूसरा जो हमारे पास है ऑपरेशन uh, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन इट इज यूज टू फॉर्म न्यू रिलेशन जो सेलेक्ट पे हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म जो था वो सिर्फ सेलेक्ट करने के लिए था इसमें हम क्या करते हैं कि हम न्यू रिलेशन बनाते हैं बाय डिलीटिंग द सेम फील्ड इन एवरी रिकॉर्ड हम कुछ रिकॉर्ड में से जाके कुछ नए रिकॉर्ड निकालते हैं कुछ डिलीट करते हैं द सेम फील्ड इन एवरी रिकॉर्ड उसी तमाम रिकॉर्ड से यानी उसमें हम कैसे क्योंकि लास्ट एग्जांपल में हमने देखा कि हमने सिर्फ दो कंप्लीट यानी फोर टपल के रिकॉर्ड रिट्रीव किए थे तो इसमें क्या होता है कि फोर टपल को जो कम्प्लीट नहीं होगा उसमें से हम कुछ डिलीट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर और डिमांड जो हमारा डिमांड होता है जो हमें चाहिए होते हैं हमारी जो जरूरत होती है उसी को हम रिट्रीव करते हैं तो एग्जाम्पल है डिफिनीशन uh, है प्रोजेक्शन पी आई वन आई टू आई थ्री अप टू आई एम वेयर आई वन इज लेस देन आई टू अपू आई एम अब ये देखिए ये प्रोजेक्शन पी है एक ऑपरेटर है मैप्स द एन टपल्स ये एन टपल है ए वन एप टू अपू ए एन फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फोर है तो ये ए वन क्या हो गए फोर टपल आएंगे टू द एम टपल एम टपल यानी फोर एम हमारे पास फोर है तो वेयर एम इज लेस देन एन अब इसको देखते हैं कि ये किस तरह काम करते हैं इन अदर वर्ड्स ए प्रोजेक्शन पी आई वन टू एम कीप्स द एम एम तो इसमें जो M components होते हैं हम देते हैं कि हमें ये चाहिए तो एम कॉम्पोनेंट्स को रख देते हैं ए एंड एन माइनस और बाकी जो हमें जरूरत नहीं थी उसको डिलीट करते हैं इसको हम एग्जाम्पल देखते हैं वट इज द रिजल्ट वन वी अप्लाई द प्रोजेक्शन पी टू फोर टू द स्टूडेंट रिकॉर्ड अभी हमारे पास जो स्टूडेंट रिकॉर्ड थे लास्ट टेबल से स्टीवन स्टूडेंट नेम आई मेजर और उसका जीपीए अब ये हमारे पास फोर टपल रिकॉर्ड है और हमें क्या चाहिए कि हम इस पर प्रोजेक्शन पी अप्लाई करते हैं अच्छा 24 से ये जो पी टू इधर I2 आ, हमने इधर लिखा हुआ था तो ये 2 उसी लिहाज से अब देखें ये हमारे पास P1 है ये P2 है ये P3 है और ये P4 है तो हमारा जो प्रोजेक्शन है वो क्या है P24। यानी S2 और 4 के जो रिकॉर्ड हैं हमें सिर्फ ये चाहिए तो जो हमारे पास सोलूशन है वो पेयर क्या आएगा 2 अब ये देखें हमारे पास उसने रिटर्न किया क्या टू टपल तो हमारे पास जो रिटर्न किया उसने वो टू टपल रि टू टपल ठीक है और ये हमारे पास क्या था ये फोर टपल था तो इसलिए क्योंकि फोर को हमने रिड्यूस किया तो इससे हमने कुछ जो डिलीट किया दो को जो हमें जरूरत नहीं होती नाम की और मेजर की हमें सिर्फ स्टूडेंट आई डी और उसके जीपीए चाहिए तो ये प्रोजेक्शन इसको हम कहते प्रोजेक्शन इन सम्प्लाइंग प्रोजेक्शन टू एंटायर टेबल में नॉट ओनली रिजल्ट इन फ्यूअर कालम्स बट रोज अब देखिये इसमें कुछ इस तरह केसेस भी हो जाते हैं जो प्रोजेक्शन में हम कालम को डिलीट करते हैं बट ऑटोमेटिकली कुछ रोज की तादाद भी कम हो जाता है ये क्यों होता है क्योंकि हमारे पास जो रिकॉर्ड होते जो रिट्यू होते डिफरेंट इन दो फील्ड उस फील्ड में आ, डिलीट हो जाते हैं रिकार्ड बिकॉज दे आर आइडेंटिकल क्योंकि उसमें आइडेंटिकल सेम होते हैं यानी एक ही तरह के होते हैं उसमें डब्लिकेशन पाया जाता है तो उस डब्लिकेशन को ऑटोमेटिकली डिलीट किया जाता है और इसकी हमें जरूरत भी नहीं होती है. अगर यह डब्लिकेशन रिमूव किया जाता है तो उससे जो हमारी रिजल्ट होता है उस पर कोई इफेक्ट भी नहीं होता है एग्जाम्पल देखते हैं उससे क्लियर हो जाएगा बुक में एग्जाम्पल नंबर टेन है व्हाट इज द टेबल अफ टेंड वेन द प्रोजेक्शन पी वन टू इज अप्लाई टू द रिलेशन इन टेबल थ्री ये हमारे पास टेबल थ्री दिया गया हुआ है इनरोलमेंट का ये इनरोलमेंट का टेबल है टेबल थ्री कहते इस पर प्रोजेक्शन पी वन टू अप्लाई करो जिस तरह हमने लास्ट में पी टू फोर अप्लाई किया होता है इट मींस कि ये फील्ड नंबर हैं तो ये फर्स्ट ये वन नंबर है हमारे पास और ये मेजर जो है वो सेकंड है तो उसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है और इस जो थर्ड है ये डिलीट हो जाएगा अब ये जो प्रोजेक्शन अप्लाई होता है टेबल फोर डिस्प्ले द रिलेशन अपन तो ये जो हमारे पास है ये उसका रिजल्ट है मेजर्स का जब हम पी वन टू अप्लाई करते इसमें ये जो कोर्स का है ये डिलीट हो जाता है अब देखिए इसमें हमारे पास थ्री और फोर आ, सेवन एट नाइन हमारे पास तकरीबन एट रोज हैं इसमें जब इसको क्योंकि हमने इधर किसी भी रो को डिलीट नहीं किया हुआ है बट जब हम इस पर प्रोजेक्शन अप्लाई करते हैं तो रो की तादाद ऑटोमेटिकली कम हो जाता है हमारे पास तीन रो ही रिट्रीव हो जाता है इसकी रीज़न ये है क्योंकि अब देखे इसको अगर कोर्स को डिलीट किया जाए तो बायोलॉजी और ग्लाउसर गिलाव सर बायलॉजी सर बायोलॉजी तो ये तीन दफा रिपीट हुआ है अब इस टेबल में अगर तीन दफा रिपीट किया तो इसका कोई मारिंग नहीं है ये यूजलेस है इसलिए हमने इधर लिखा था नो नीड टू आइडेंटिकल क्योंकि तो हमारा ग्लाउसर बायोलॉजी ग्लाउसर तीन दफा लेके तो उसका मीनिंग सेम ही है कि हमें ग्लाउसर स्टूडेंट है और उसका मेजर बायोलॉजी है तो एक दफ़ा ही काफी होता है इसी तरह मार्कस है और मीलर है इसका कंप्यूटर साइंस है तो हमारे पास जो रो है ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है डिलीट हो जाते हैं कुछ रोज डिलीट हो जाते हैं और उस पर असर का कोई फर्क भी नहीं पड़ता है तो ये प्रोजेक्शन क्या वजह से कि प्रोजेक्शन हमने किया तो जो आउटपुट आ गया उसमें कुछ रोज़ की डब्लिकेशन आ जाती है तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं इसके बाद है थर्ड जो हमारे पास ऑपरेशन है और जो सबसे ज्यादा यूज होता है जॉइन ऑपरेशन कहते हैं डेटाबेस में या क्वेरी में स्क्यूअर लैंग्वेज जब पढ़ेंगे डेटाबेस में तो जॉइन ऑपरेशन बहुत ज्यादा यूज होता है और ये किसके लिए यूज़ जाइन जिस तरह नाम से ही जाहिर है टू कंबाइन टू टेबल्स इन टू वन इफ दे शेयर सम आइडेंटिकल फील्ड्स अगर उसमें कुछ आइडेंटिकल फील्ड है यानी कॉलम है और उसका डेटा आपस में शेयर हो सकता है तो उसको मिलाया जाता है ठीक है तो ये जो टू टेबल्स हैं मुख्तलिफ टेबल को हम इकट्ठा किया जा सकता है उससे हम एक नया टेबल एक्सट्रैक्ट करते हैं इसकी डिफिनीशन दिया गया है एक बुक में थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको अंडरस्टैंड करने में लेकिन एग्जाम्पल से समझ आएगा लेट आर बी ए रिलेशन अब एक रिलेशन है आर हमारे पास और उसकी डिग्री क्या है एम एक दूसरा रिलेशन एस है और उसकी डिग्री क्या है एन द जॉइन अब ये हमारे पास जो जॉइन होगा ये हमारे पास आउटपुट होगा तो हमने आर और एस दोनों रिलेशन को इकट्ठा किया वी आर पी इज लेस देन एम ये जो जे Uh, नया जो रिलेशन का P, ये इसका uh, m डिग्री से भी इसका डिग्री S से M से कम होगा और n से भी कम होना चाहिए क्योंकि फिर इस, uh, आगे हम एग्जाम्पल में इसको क्लियर करते हैं और जो रिलेशन का J का uh, डिग्री होता है वो एम प्लस एन माइनस पी होगा दट कंसिस्ट ऑफ आल एम प्लस एन माइनस ई टपल्स तो ये सारे टपल उसमें शामिल होंगे वेयर द एम टपल बिलोंग्स टू आर एंड एन टपल बिलोंग्स टू एस इसको हम से डिफाइन करते हैं एग्जाम्पल है हमारे पास वट रिलेशन रिजल्ट जे टू इज यूज टू कंबाइन द रिलेशन डिस्प्ले इन टेबल फाइव और सिक्स ये टेबल फाइव और सिक्स हमें दिए गए हैं दो टेबल हैं। तो इस दोनों को ये फाइव है और ये सिक्स है इस पर अगर हम इस ऑपरेशन को J2 अब देखिए इधर JPP पी, पी आ, हमारे पास टू है इधर तो लेट्स सी कि ये हमारे पास टेबल आर है उसी के डिफिनिशन के साथ रिलेट करते हैं ये हमारे पास टेबल एस है तो इसकी जो डिग्री थी वो हमें दिया गया कि इसकी जो पी की डिग्री लेस देन एम होनी चाहिए तो इसकी डिग्री हमारे पास तीन है तीन किस तरह है क्योंकि इसमें तीन फील्ड है हमने पढ़ा था कि वो जो डोमेन होता है उसका जो एन होता है वो डिग्री होता है तो इधर हमारे पास तीन फील्ड है तो हमारे पास डिग्री तीन हो जाता है इसी तरह इसके जो डिग्री है वो फोर है डिपार्टमेंट कोर्स नंबर रोम टाइम तो ये चार फील्ड है डिग्री फोर आ जाता है जो हमारा रिक्वायर्ड है वो जे टू आर एस ये हमें जो जॉइन ऑपरेशन हमने अप्लाई करना है क्योंकि इधर पी है तो पी हमारे पास उसने दिया गया है जे टू कि ये ऑपरेशन अप्लाई करना है अब इसकी जो हमारे पास आउटपुट आएगा इसकी जो डिग्री होगी वो m प्लस एन माइनस पी होगी तो m हमारे पास थ्री है p हमारे पास इधर टू आ गया तो डिग्री इसका हमारे पास थ्री प्लस फोर माइनस टू ये जो p है तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा उसकी डिग्री फाइव होने चाहिए ठीक है तो ये दो टेबल है हमारे पास r और s का तो इसका जो रिजल्ट है सोलूशन होगा इसका जे टू का तो ये हमारे पास जो जे टू होगा वो प्रोड्यूस करेगा जो रिलेशन आउटपुट देगा वो टेबल सेवन यानी जे टू आर एस जो आएगा हमारे पास वो इस तरह का टेबल आएगा टीचिंग ये टीचिंग असाइनमेंट था टेबल फाइव और क्लास केजुअल था तो इन दोनों रिलेशन को हमने यानी दोनों टेबल को हमने इकट्ठा किया टीचिंग केजुअल बना दिया अब देखिए इसमें प्रोफेसर डिपार्टमेंट और कोर्स नंबर था फर्स्ट जो आर रिलेशन था हमारे पास ठीक है ये आर रिलेशन और इस रिलेशन में जो था अब ये तीनों इधर भी आ गए और इसके जो चार थे वो भी इधर प्रेजेंट हैं तो इसमें जो कंबाइन करने वाला था वो ये था कि हमारे पास प्रोफेसर डिपार्टमेंट और कोर्स नंबर ये जो दो फील्ड है ये दोनों में शेयर हो सकते हैं यानी कॉमन हो सकते हैं तो इन दोनों को हमने कंबाइन किया और एक तीसरा टेबल हमने रिड्यूस किया इससे ये टू जॉइन के लिहाज से इन दोनों टेबल का हमने जॉइन कर दिया अब देखिए इसमें जो रिकॉर्ड हैं वो किस तरह है इधर हमारे पास क्रोस क्रोज जवालोजी जवालोजी थ्री थ्री फाइव फोर वन टू तो अब देखिए वही दो रिकॉर्ड इधर भी आ गए और उसके जो थ्री थ्री फाइव फोर वन टू था लेकिन इस दूसरे टेबल में ये जो क्रोज के था इधर जवालोजी थ्री थ्री फाइव और ये था जवालोजी ये ये दो जवालोजी के इधर था तो इसके जो रिलेवेंट रोम नंबर थे ए वन हंड्रेड ए वन हंड्रेड नाइन और एट तो ये इधर इस टेबल में आ गए ठीक है तो देखिए इस तरह रिकॉर्ड ये रिकॉर्ड था और इस तरह ये दो रिकॉर्ड ये कंबाइन हो गए अब इसमें जो रिपीटेड थे ये जवालोजी भी रिपीटेड था ये ये भी एक दफा आ गया और इस तरह जो कोर्स नंबर था ये कोर्स नंबर ये भी दो दफा था तो इसको रिड्यूस हो गया और हमारे पास नया जो टेबल था उसमें पाँच उसका जो डिग्री था फाइव यानी उसके पास जो आउटपुट फील्ड है वो हमारे पास फाइव आ गए तो इसको कहते हैं जॉइन परेशान ठीक है तो बहरहाल ये हम सिंपल पढ़ते हैं सिंपल हमने किया कि है, टेबल को हमने ज्वाइन किया तो क्योंकि ज्वाइन की बहुत सारे किस्म हैं जो डेटाबेस में आप पढ़ेंगे जिस तरह ज्वाइन होता है लेफ्ट ज्वाइन होता है राइट ज्वाइन और जॉइन होता है फुल जॉइन होता है ठीक तो है तो जॉइन की मुख्तफ किस्में हैं वो नेक्स्ट पर पढ़ेंगे ये कुछ फिगर मैंने डाले हुए शक्ल में लेफ्ट टेबल और राइट टेबल तो इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो सिर्फ कंबाइन होता है जिस तरह ये हमने दिया गया इसी तरह लेफ्ट राइट दोनों को भी कम्बाइन कर सकते हैं या लेफ्ट जॉन साइड से लेते हैं टेबल से तो लेफ्ट राइट ये दो टेबल होते हैं फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास लेफ्ट टेबल है या राइट है कि इन अब इसमें देखे फर्स्ट जैन में जिसमें ये इसको हम इनर जॉइन भी कह सकते हैं इनर जॉइन के दोनों का सिर्फ वही जिस पर वो मैच करते हैं वो ले फुल जैन ये होता है कि दोनों ये इस तरफ में भी इस तरफ में सारे डाल दो लेफ्ट जैन में सिर्फ यही लिए जाता है और इसमें जो कामन होते हैं और राइट जैन में राइट टेबल का पूरा लिया जाता है और दूसरे साइड में जो मैचिंग रिकॉर्ड होते हैं वो मैच करते हैं तो ये डेटाबेस के कोर्स में कंप्लीट डिटेल से फिर पढ़ेंगे ओके थैंक्स गाइस लाइक And share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.